पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन, दिल्ली से लेकर जम्मू तक पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल। पीएम मोदी पर बिलावल के विवादास्पद बयान पर देश भर में गुस्सा। इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए। राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर उठाए सवाल, कहा अरुणाचल में हमारे जवानों को पीट रहा है चीन। बीजेपी ने कहा कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। 20 जवानों को शहीद किया जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होगा। अरुणाचल के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प वाली जगह पर पहुंचा न्यूज 18। एलएसी पर ग्राउंड जीरो से देखिए पल पल की खबर। 1962 में तवांग के डिफेंस के लिए भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के बंकर्स बनाए गए थे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, आज कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सीमा सुरक्षा, तस्करी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर होनी है अहम चर्चा। मुंबई में आज बीजेपी और महाविकास आघाड़ी आमने सामने, एमवीए करेगी शक्ति प्रदर्शन। माफी मांगो आंदोलन के जरिए बीजेपी भी दिखाएगी अपनी ताकत। मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 73 पहुंचा। सारण जिले में कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, आज पीड़ित परिवारों से मिलने सारण जाएंगे बीजेपी सांसद सुशील मोदी। फिल्म पठान के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, यूपी एमपी और राजस्थान में पुतला जलाकर लोगों ने जताया विरोध। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत याचिका पर आज सुनवाई का दिन, साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई। तिहाड़ जेल में बंद है आरोपी आफ्ताब।